Hey, welcome back students to my next class, and we were discussing the types of contracts, various types of contracts, जिसमें हमने प्रमुखतः primarily तीन तरीके से उनका categorization करना समझा था. The first one was on the basis of validity, जिसमें हमने पढ़ा था valid contract, voidable contract, void agreement, illegal agreement, unenforceable contracts. ठीक है, उसके बाद में हमने देखा था types of contracts on the basis of formation, जिसमें हमने किया था express contracts, implied contracts, e-commerce contracts, quasi contracts. आइए एक quick revision कर लेते हैं. Express contracts. What are express contracts? Which are expressly made in words, either oral or written. है ना? आप अपनी भावनाएं जब व्यक्त करते हैं तो expressly करते हैं या नहीं करते हैं? मुंह से बोलकर करते हैं भावनाओं को. जब भी व्यक्ति एक से दूसरे में कम्युनिकेशन होगा, आप वर्ड्स का यूज लेंगे या नहीं एक्सप्रेसली? सो वर्ड्स आइदर ओरल और इन राइटिंग. तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स जिनमें वर्ड्स का इस्तेमाल किया गया है, दे वुड बी कंसिडर्ड एज एन एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट्स. इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट्स, जहां पर हाव भाव से एक कॉन्ट्रैक्ट बन गया है, हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं. कौन से एग्जाम्पल देखा था जहां पर वर्ड्स इस्तेमाल ही नहीं किए जाते हैं? कौन से एग्जाम्पल? फॉर एग्जाम्पल कुली वाला, जहां पर एक गर्ल उतरती है रेलवे स्टेशन से, रेलवे स्टेशन पे एक ट्रेन से उतरती है अपने लगेज सामान के साथ में, और सडनली एक कुली आता है उनके पास में, उनका सामान अपने सर पे उठाता है और बाहर की तरफ चलने लगता है. सो ये क्या हुआ? दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन इम्प्लाइड ऑफर. एंड वो लेडी भी यदि बिना उस कुली को रोके हुए चुपचाप उसके पीछे चल देती है, तो इट इज एन इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस कि कुली उनका सामान बाहर तक कैरी करे और वो बदले में उसे उसकी सर्विसेज के लिए कुछ पैसे देंगी. इम्प्लाइड ऑफर और इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस. सो इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट. Next one was an example of, next type was e-commerce contract, जहां पर दो बंदे अलग अलग नेटवर्क के थ्रू एक सेम लेवल पे आते हैं e-commerce contract पे. और example क्या लिया था अपन ने? आप Amazon या Flipkart पे अलग अलग तरीके की purchasing करते हैं, और जिसमें आप सहायता लेते हैं अपने emails या फिर आप किसी प्लेटफॉर्म जहां पर इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरफेस या इंटरचेंज होता है, उस तरीके से माउस क्लिक से बने हुए कॉन्ट्रैक्ट्स भी बोला जाता है इनको, जहां पर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के थ्रू कॉन्ट्रैक्ट्स बनाए जाते हैं. लास्ट वेराइटी ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, दैट इज क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स. क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए तीन या चार बातें मैंने आपको बताई थी. नंबर वन, द वर्ड quasi has not been used in the Indian Contract Act anywhere. तो ये वर्ड आ कहां से रहा है? ये वर्ड आ रहा है from the English Contract Act. आप जानते हैं जब ये एक्ट हमारे भारतवर्ष में लागू हुआ, उस समय यहां पर अंग्रेजों के जमाने का समय था, अंग्रेजों का टाइम था, उनका रूल चलता था. तो वहां पर इंग्लिश कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में उन्होंने वर्ड क्वासी कॉन्ट्रैक्ट यूज लिया है. हम भी अपने बोलचाल, डेली बोलचाल की भाषा में वर्ड क्वासी ही यूज कर रहे हैं, बट हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कहीं पर भी वर्ड क्वासी यूज नहीं लिया गया है. रेदर क्या वर्ड यूज लिया गया है? रिलेशनशिप रिजेंबलिंग एज इफ इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट. तो रिलेशनशिप रिजेंबलिंग अ कॉन्ट्रैक्ट, ये कॉन्ट्रैक्ट जैसा उसे रिजेंबल करने वाला एक तरीके का रिलेशनशिप है, लेकिन ये एक्चुअल में कॉन्ट्रैक्ट नहीं है. ये बात मैंने आपको लिखाई भी थी और कहा भी था कि इट इज अ रिलेशनशिप रिजेंबलिंग एज इफ इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट, बट दीज आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स इन रियल सेंस. ये सही मायनों में कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं होते हैं. ठीक है, और इसमें हमने एग्जाम्पल क्या क्या लिया था?
क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में आप कहीं पर डिनर के लिए इनवाइटेड हैं, वहां पर जाते हैं और अपना सामान भूल जाते हैं, तो क्या होता है, जहां पर आप डिनर के लिए गए वो पर्सन और आप एक तरीके के क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर जाते हैं, क्योंकि क्वासी कॉन्ट्रैक्ट का नियम क्या होता है, वन पर्सन मस्ट नॉट बी अनड्यूली बेनिफिटेड एट द कॉस्ट ऑफ अदर पार्टी। तो यदि वो आपका सामान रख लेगा, ही वुड बी अनड्यूली बेनिफिटेड एट योर कॉस्ट, विच शुड नॉट हैपन। उसी तरीके से क्वासी कॉन्ट्रैक्ट का एक और एग्जाम्पल लिया था हमने, फाइंडर ऑफ गुड्स। यदि किसी को रस्ते में जा रहा था और उसे एक हीरे से जड़ी हुई रिंग मिलती है, डायमंड रिंग मिलती है, जो कि किसी और की है, यदि वो उसे उठा लेता है, तो द ओरिजिनल ओनर ऑफ दैट डायमंड रिंग एंड द पर्सन हु हैज फाउंड दैट रिंग ऑटोमेटिकली एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट दैट द फाइंडर ऑफ गुड्स वुड रिटर्न दोज गुड्स बैक टू देयर ओरिजिनल ओनर। आ गई बात समझ में? सो वी हैव फिनिश्ड विद कॉन्ट्रैक्ट्स, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन। क्विक रिकैप मैंने आपको करा दिया है। आइए हम लोग तीसरा कैटेगराइजेशन चालू करते हैं, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स कैटेगराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस, यानी कि कितना परफॉर्म कर लिया गया है, परफॉर्म किया गया है, पूरा कर लिया गया है, नहीं किया गया है, एक पार्टी को बाकी है, दो पार्टी को बाकी है, वगैरह वगैरह क्या है, आइए देखना चालू करते हैं। इसमें हमने चार पार्ट्स में इसको मेंशन किया है, एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट, यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट, बाइलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। देखिए शॉर्ट में मैं आपको यहां समझा देता हूं, एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं भैया, एग्जीक्यूटेड जो एग्जीक्यूट कर लिए गए हैं, दोज आर, नाम में ही आंसर छुपा हुआ है, एग्जीक्यूटेड जो कि एग्जीक्यूट कर लिए गए हैं। सो नाम में आंसर छुपा हुआ है, एक्स और वाई में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि एक्स वाई को अपना घर देगा, वाई बदले में उसे 50 लाख रुपीज देगा। तो एक्स ने वाई को जब अपना घर नाम कर दिया और वाई ने एक्स को 50 लाख रुपए दे दिए, दोनों ही पार्टी को अब कुछ भी करना बाकी नहीं है, दोनों ही पार्टीज ने अपने अपने ऑब्लिगेशंस परफॉर्म कर दिए हैं, देन इट वुड बी एन एग्जाम्पल ऑफ एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। आ गया समझ में? नाम याद रखोगे तो कंसेप्ट अपने आप याद हो जाएगा। आइए सेकेंड वेराइटी चालू करते हैं, एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट, जहां पर एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट जहां पर एक पार्टी को या एक से अधिक पार्टी को अपना अपना काम करना बाकी है, जो अभी एग्जीक्यूटेड नहीं बना है, एग्जीक्यूटरी ही है, यानी कि अब फ्यूचर में एग्जीक्यूशन पूरा होगा, चाहे एक पार्टी का काम बाकी हो चाहे दोनों पार्टीज का काम बाकी हो। सो एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट एंड एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट जिसमें सारी पार्टीज ने अपने अपने ऑब्लिगेशंस को परफॉर्म कर दिया है, किसी को कुछ भी बाकी नहीं है, और एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट जहां पर पार्टीज को, चाहे एक को चाहे दोनों को, अपना काम करना अभी बाकी है, वो किस कैटेगरी में शामिल किया जाएगा, एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट में शामिल किया जाएगा। देखिए अब ये नीचे जो तीसरा और चौथा पॉइंट है, यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट और बाइलैटरल कॉन्ट्रैक्ट, दीज आर नथिंग बट कैटेगरी कैटेगराइजेशन ऑफ, दे आर अ पार्ट ऑफ एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट इटसेल्फ, दे आर अ टाइप ऑफ एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट इटसेल्फ। जो यूनिलैटरल, मैं वापस बोलता हूँ, जो यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट है और जो बाइलैटरल कॉन्ट्रैक्ट है, वो कुछ नहीं, दोज आर अ सब कैटेगराइजेशन या फिर टाइप ऑफ एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट इटसेल्फ, यानी कि यहां भी पार्टीज का काम करना अभी बाकी है। यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट में एक वर्ड यूनी आ रहा है, यूनी मीन्स वन, बाई मीन्स टू, यस, यूनी मीन्स वन, बाई मीन्स टू। तो यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट में जहां पर दो पार्टीज थी, एक पार्टी ने तो दूसरी पार्टी के प्रति अपना काम पूरा कर दिया है, और अब केवल एक ही पार्टी को दूसरी पार्टी, पहली वाली पार्टी के प्रति अपना काम करना अभी भी स्टिल पेंडिंग है, तो फिर वो यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा।
हमें यूनिलेटरल और बाइलेटरल कॉन्ट्रैक्ट को एज अ टाइप ऑफ एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट ही देखना है। तो अब कितने लोगों को काम करना बचा हुआ है उस पे ये बेस्ड है। यूनि एक ही को काम करना बचा है, बाई दोनों को काम करना बचा है। सो यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट जब एक पार्टी ने दूसरी पार्टी को के प्रति अपना काम पूरा कर दिया है और दूसरी पार्टी को पहली पार्टी के प्रति अपना काम करना अभी बाकी है, तो कितनी पार्टीज को काम करना बाकी हुआ? केवल एक पार्टी को काम करना बाकी हुआ, एक ही पार्टी को अपने ऑब्लिगेशंस पूरे करने बाकी हुए। सो यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट जहां पर एक पार्टी ने अपना काम कर दिया और एक ही पार्टी को काम करना बाकी है, काम करना बाकी है, कितनी पार्टीज को काम करना बाकी है उस बेसिस पे यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट या बाइलेटरल कॉन्ट्रैक्ट। और बाइलेटरल कॉन्ट्रैक्ट दोनों पार्टीज को एक दूसरे के प्रति अपना ऑब्लिगेशन पूरा करना बाकी है, तो फिर दोनों ही पार्टीज को जब पूरा करना है बाकी है तो वो क्या कहलाएगा? बाइलेटरल कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। एंड एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट जहां पर पार्टीज को काम करना बाकी है तो बाइलेटरल कॉन्ट्रैक्ट, जहां पर दोनों पार्टीज को काम करना बाकी है। आइए यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट, बाइलेटरल कॉन्ट्रैक्ट, एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट, इनको समझते हैं डिटेल में और एग्जाम्पल्स भी देखते हैं। आइए एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट जहां पर सारी पार्टीज को जो जो काम करना था, एन एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट इज वन इन विच ऑल द पार्टीज हु आर रिक्वायर्ड टू परफॉर्म हैव परफॉर्म्ड देयर रिस्पेक्टिव ऑब्लिगेशंस, अपना अपना काम खत्म कर दिया है। ए ने बी को अपनी कार बेचना डिसाइड किया था 1 लाख रुपए में, तो ए बी को क्या दे रहा है? अपनी कार देने का डिसाइड किया और बी बदले में उसे क्या देगा? 1 लाख रुपीज देने का डिसाइड किया। तो जब ए ने बी को कार सच्ची में सही में डिलीवर कर दी और बी ने ए को 1 लाख रुपया दे दिया, तो अब किसी भी पार्टी का कोई भी ऑब्लिगेशन अंडर द कॉन्ट्रैक्ट नहीं बचा है और वो कैसा हो जाता है? एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, जो कि एग्जीक्यूट हो चुका है, सभी पार्टीज ने अपने अपने ऑब्लिगेशंस अंडर द कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म कर दिए हैं, कुछ भी काम करना अब बाकी नहीं रहा है। सो द कॉन्ट्रैक्ट हैज ऑलरेडी बीन एग्जीक्यूटेड, इट इज एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। समझ में आ गया? एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट जहां पर पार्टीज को, जहां पर इट एन एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट इज वन वेयर वन और बोथ द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट हैव पार्शियली और होली अनपरफॉर्म्ड देयर ऑब्लिगेशंस, दैट इज दे स्टिल हैव टू परफॉर्म देयर ऑब्लिगेशंस इन फ्यूचर। ठीक है, यदि ऊपर वाले एग्जाम्पल में ए को अभी भी कार बी को देनी है बाकी होती, या बी को उसकी प्राइस अभी भी ए को देनी होती, तो वो एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट बनता जहां पर अभी भी ऑब्लिगेशन पूरे करने बाकी हैं। देखिए कुछ एग्जांपल्स ऐसे भी आएंगे जहां पर किसी पार्टी ने अपना काम पार्शियली परफॉर्म किया है, पूरा नहीं परफॉर्म किया है। मान लीजिए एक्स ने वाई को कार देने का वादा किया, वाई ने एक्स को 1 लाख रुपीज देने का वादा किया, लेकिन एडवांस केवल 25,000 रुपए ही दिए, कहा बाकी का 2 दिन बाद दूंगा। तो अभी तक वादा निभाया तो है लेकिन पार्शियली निभाया है, पूरा नहीं निभाया है। तो ये भी कौन सी कैटेगरी में आएगा? एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट में आएगा, क्योंकि अभी तक अपना ऑब्लिगेशन पूरी तरीके से उसने परफॉर्म नहीं किया है ना। तो चाहे पूरा काम करना बाकी हो चाहे अधूरा काम करना बाकी हो, वो कैसे आएगा? एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट के रिलेशन, वो के एग्जाम्पल के अंडर आ जाएगा, के टाइप के अंडर आ जाएगा। यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट एंड बाइलेटरल कॉन्ट्रैक्ट्स जस्ट एग्जाम्पल ऑफ एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट्स। यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट इज वन साइडेड कॉन्ट्रैक्ट, इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट इन विच ओनली वन पार्टी इज मेक्स एन एक्सप्रेस प्रोमिस विदाउट सिक्योरिंग एग्रीमेंट फ्रॉम द अदर पार्टी। इसमें आप और अच्छे से लिख सकते हैं, इसमें लिखिए यूनि मीन्स वन, तो ओनली वन ऑफ द, लिखिए ओनली वन पार्टी इज लेफ्ट टू परफॉर्म, ओनली वन पार्टी इज लेफ्ट टू परफॉर्म इट्स ऑब्लिगेशंस अंडर द कॉन्ट्रैक्ट एंड अदर पार्टी
हैज ऑलरेडी परफॉर्म्ड इट्स ऑब्लिगेशंस। एग्जाम्पल देखिए, एक बंदा था जी, उसने बुक किए टिकट विद इंडियन एयरलाइंस टू ट्रैवल फ्रॉम दिल्ली टू गोवा। बुकिंग डेट क्या थी? 16 जून। और ट्रैवल डेट क्या थी? 16 जुलाई। तो अभी तक जब जी ने इंडियन एयरलाइंस के साथ में ये कॉन्ट्रैक्ट बनाया है कि मैं तो आपसे टिकट खरीद रहा हूँ ट्रैवल करने का, आई विल गिव यू मनी एंड यू विल टेक मी फ्रॉम दिल्ली टू गोवा, ठीक है। अब टिकट बुक करते वक्त जी ने यहाँ पर सारा पैसा इंडियन एयरलाइंस को दे दिया, तो एक पार्टी ने तो अपना ऑब्लिगेशन अंडर द कॉन्ट्रैक्ट पूरा कर लिया, दूसरी पार्टी यानी कि इंडियन एयरलाइंस को अभी भी अपना ऑब्लिगेशन पूरा करना बाकी है टूवर्ड्स द अदर पार्टी। सो इट इज अ काइंड ऑफ एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट इन विच ओनली वन ऑफ द पार्टीज इज लेफ्ट विद टू परफॉर्म इट्स ऑब्लिगेशंस अंडर द कॉन्ट्रैक्ट। सो यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट, बाइलैटरल कॉन्ट्रैक्ट, इट इज वन इन विच ऑब्लिगेशंस ऑन बोथ द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट इज आउटस्टैंडिंग एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि जिस समय कॉन्ट्रैक्ट बना, हमें सारी चीजों को कॉन्ट्रैक्ट बनने के टाइम से ही देखना है, चाहे यूनी है, चाहे बाई है, चाहे एग्जीक्यूटेड है, चाहे एग्जीक्यूटरी है, वट एवर इट इज। सो एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, तो एस एग्रीज टू सेल इज डीवीडी प्लेयर टू आर, प्रोमिसिंग टू डिलीवर इट ऑन द डेट ऑफ पेमेंट एंड आर प्रोमिसेस टू पे द अमाउंट 1 month हेंस। यानी कि इन्होंने कैसा एग्रीमेंट किया कि मैं आपको 1 महीने बाद पेमेंट दूंगा और आप मुझे उसी समय डीवीडी प्लेयर दे देंगे। दोनों ही पार्टीज ने एक दूसरे को फ्यूचर में देने का वादा किया है, दोनों ही पार्टीज को अपने ऑब्लिगेशन अंडर द कॉन्ट्रैक्ट पूरे करने बाकी हैं। सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ बाइलेटरल कॉन्ट्रैक्ट। देखो, मैंने आपको होंडा एक्टिवा वाला एग्जाम्पल बताया था जिसमें अगले महीने की 15 तारीख को मैं आपको होंडा एक्टिवा रवाना कर दूंगा और आप अगले महीने की 15 तारीख को मुझे उसका पैसा दे देना। वो भी एग्जाम्पल बायलेटरल कॉन्ट्रैक्ट का ही था, जहां दोनों पार्टीज को अपने ऑब्लिगेशंस अंडर द कॉन्ट्रैक्ट पूरे करने बाकी थे। यस, बोथ यूनिलैटरल एंड बायलेटरल कॉन्ट्रैक्ट्स आर अ फॉर्म ऑफ एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट इटसेल्फ, जहां पर पार्टीज को कुछ ना कुछ करना बाकी रह जाता है, चाहे एक पार्टी को चाहे दोनों पार्टी को। होप ये लास्ट कैटेगराइजेशन बहुत ही इजी है, आपको आसानी से समझ में आ गया होगा और अच्छा सा टाइम लगा के अपना ये कैटेगराइजेशन पूरा चैप्टर रिवाइज कीजिएगा, क्योंकि कल मैं इसके कुछ क्वेश्चंस आपके साथ में, इस पूरे चैप्टर नंबर 1 के क्वेश्चंस आपके साथ में डिस्कस करना चालू करूंगा। चैप्टर नंबर 1 करीब करीब अपनी तरफ से पूरा हो चुका है, सिवाय क्वेश्चंस, एक तो समरी मिलेगी आपको आपके नोट्स में, उन समरी को आपको फटाफट रिवाइज करने के लिए ही दिया गया है, लेकिन डिटेल फॉर्म में आपको रिवाइज करना है। नंबर 2, समरी के बाद में कुछ क्वेश्चंस भी दिए गए हैं, वो क्वेश्चंस भी हम आपके साथ में डिस्कस करेंगे। कल हम लोग इस चैप्टर को करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, पूरा चैप्टर आप अपने एक बार वापस रिवाइज कीजिएगा। जिन्होंने नोट्स नहीं बना के भेजे हैं वो लोग नोट्स बना के भेजना स्टार्ट कर दीजिए, और जिन्होंने, काफ़ी लोगों ने आप में से मुझसे, मैं आपकी जानकारी, सभी की जानकारी के लिए बता रहा हूँ, काफ़ी लोगों ने मुझसे फ़ोन पे और व्हाट्सएप पे अपनी अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस करी हैं। जो नहीं करी हैं, या जिन लोगों ने नहीं करी हैं, या तो वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है कि उनको सब कुछ समझ में आ रहा है, और या फिर उन्होंने काम नहीं किया है, कुछ पढ़ाई नहीं की है, और तीसरी प्रोबेबिलिटी ये दैट आई एम वन ऑफ द गुड टीचर्स, जो मैंने आपको इतना समझाया, अच्छा समझाया कि आपको समझ में आ गया, आप बेहतर समझते हैं कि कौन सी प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा आपके केस में एप्लीकेबल हो रही है। तो बढ़िया ये रहेगा, जिन्होंने काम नहीं किया है, जो मन में जानते हैं, जिन्होंने काम नहीं किया है, वो अपने नोट्स बनाएं, क्योंकि हम कल इस चैप्टर के क्वेश्चंस डिस्कस करना चालू करेंगे। और माइंड यू स्टूडेंट्स, यदि ये चैप्टर का बेस छूट गया आपके,
तो फिर आगे पढ़ने में आप भले ही पढ़ लें, मजा नहीं आने वाला है। इस वजह से इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, लॉकडाउन के टाइम में अपना मॉरल डाउन ना करें, कीप योर मोरल्स बूस्टेड। ठीक है, चार्टर्ड अकाउंटेंसी इतनी इजी से पूरे होने वाली नहीं है यदि आप लोगों ने मेहनत नहीं की। सो इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, डू कंप्लीट योर वर्क एंड वी आर देयर एट योर सर्विस। आपको कोई भी प्रॉब्लम है आप अपने टाइम में, डेजिग्नेटेड टाइम में कॉल कीजिए, नहीं तो एक व्हाट्सएप मैसेज छोड़ दीजिए, आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन जरूर जरूर किया जाएगा। विद दिस आई एम साइनिंग ऑफ फ्रॉम फॉर टुडे, थैंक्स फ्रॉम माई साइड। ओके, थैंक यू।